नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रणथंभौर दुर्ग के कुछ नोट्स या टिप्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। दोस्तों ये सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर दुर्ग, और इसे गिरी दुर्ग या वन दुर्ग कहते हैं। दोस्तों इसका नाम, पुराना नाम रणतेपुर था। ये रण पहाड़ी और थंब पहाड़ी पर जो ये दुर्ग, दोस्तों ये दुर्ग है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको गिरी दुर्ग कहते हैं। और वन दुर्ग इसलिए कहते हैं कि ये वन में स्थित है, और दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा था। और दोस्तों इसे दुर्गादिराज हम्मीर की आन बान शान का प्रतीक भी कहते हैं। सर्वप्रथम इस दुर्ग पर आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसमें शाखा हुआ था जो 11 जुलाई 1301 को प्रथम शाखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और राजा हम्मीर देव उसके बीच युद्ध हुआ था। और दोस्तों रानी रंगदेवीर के नेतृत्व में प्रथम जल जौहर जो राजस्थान हुआ था, प्रथम जल जौहर राजस्थान में इसी दुर्ग में हुआ था। तो दोस्तों दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के ऐतिहासिक स्थल, सबसे पहले है नौलखा दरवाज़ा जो मुख्य प्रवेश द्वार है रणथंभौर दुर्ग का। उसके बाद है तोरण दरवाज़ा, इसको अंधेरी दरवाज़ा जो मुस्लिम काल था उसमें अंधेरी दरवाज़ा कहते थे, और जो जयपुर के शासकों ने राज किया था उसमें त्रिपोलिया दरवाज़ा इसको कहते थे। जोगी महल, दोस्तों जोगी महल थे वो ऋषि के कहने पर बनवाए थे, और वर्तमान में ये पर्यटकों का विश्राम गृह है। जोगी महल है जो उसका कहते हैं जैत सिंह की छतरी, जो जैत सिंह थे वो अमीर के पिता थे, और इस छतरी पर जो अमीर देव चौहान थे वो न्याय करते थे बैठकर, इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। और इस छतरी के गर्भगृह में एक शिवलिंग भी है, 32 विशाल कम्बों वाली छतरी है ये, और 50 फुट ऊंची है। उसके बाद है अधूरा स्वप्न व अधूरी छतरी। दोस्तों ये आडी रानी करमबती थी, उसने इसको बनवाना चालू किया था और किसी कारण से ये अधूरी रह गई थी, इसलिए अधूरा स्वप्न अधूरी छतरी कहते हैं। तो दोस्तों मोस्ट है ये कुछ। उसके बाद है गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसकी खास विशेषता है, शायद एकमात्र मंदिर है त्रिनेत्र का ये गणेश मंदिर। और इसके आसपास एक जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। और भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी को विशाल मेला लगता है यहाँ पर सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर में। और एक शिव मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में, शिव मंदिर है। यहाँ जनश्रुति है कि अमीर ने अपना सिर काट कर, जब उसने अपनी रानियों की जौहर की घटना सुनी तो उसने अपना सिर काट कर इस शिव को समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था। उसका बाद हम्मीर कचहरी है, चौहान शासक हम्मीर इस कचहरी में न्याय करता था। उसके बाद कुछ हैं जैसे पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह है, पद्माला तालाब है, सुपारी महल है। दोस्तों जो सुपारी महल है ना, ये इसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों एक साथ हैं, तो ये सद्भावना का एकमात्र उदाहरण है राजस्थान में। बहुत यहाँ पे मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों इस दुर्ग में, जो रणथंभौर दुर्ग इसमें सुपारी महल है इसमें स्थित हैं। उसका बादल महल है, जोरा बोरा महल है अनाज रखने के गोदाम, जोरा बोरा महल, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और हम्मीर महल। दोस्तों ये मुख्य आकर्षण है हम्मीर महल, और ये करौली के लाल पत्थरों से बने हुए इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण है। तो ये रणथंभौर दुर्ग आप पूरा देख सकते हो एक बार। रणथंभौर दुर्ग हो गया, नौलखा दरवाजा, तोरण द्वार, जोगी महल, जैत सिंह की छतरी, 32 विशाल का मोबाइल छतरी है जो जैत सिंह की छतरी है, अधूरा स्वप्न हो गया, गणेश मंदिर हो गया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, हम्मीर की कचहरी हो गई, हम्मीर महल हो गया, लक्ष्मी नारायण महल मंदिर हो गया, जोना बोरा महल हो गया, बादल महल हो गया, सुपारी महल, पद्मला तालाब, और पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह। दोस्तों ये ऐतिहासिक स्थल हो गए रणथंभौर दुर्ग के। ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।